सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दी खास सुर्खियां ते। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के मद्देनज़र लिया वड्डा फैसला। 9 तो 18 नवंबर तक स्कूलों में छुट्टियां का किया ऐलान। इसरो ने दित्ते एलवन नूं लैके कीता वड्डा दावा। कहा दित्ते एलवन ने वेखी सूरजी लैपटॉप की एक्सरे झलक, एक्सरे स्पैक्ट्रोमीटर राही कवर की झलक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरतों नूं लैके कीती अश्लील टिप्पणी। विधानसभा में नीतीश कुमार ने दित्ता विवादित बयान। विवाद वधण उत्ते नीतीश कुमार ने मंगी मुआफी। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुड़ प्रधान बने एडवोकेट रजिंदर सिंह धामी। धामी नूं पईआं 118 वोटां। बलवीर सिंह कुनस नूं मिलीआं 17 वोटां। हरभजन सिंह मसाणा बने सीनियर मीत प्रधान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली विच हवा प्रदूषण लगातार वाधा जा रहा है, जिस कारण दिल्ली वासियों का साह लेना भी औखा हो गया। गंभीर हवा प्रदूषण कारण दिल्ली सरकार ने वड्डा फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने 9 तो 18 नवंबर तक स्कूलों में जल्दी सर्द रुत दी छुट्टियां का ऐलान किया है। दस दिए कि दिवाली तो पहले ही दिल्ली में वाधे प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने फैसला लेना पड़ा। दिल्ली सरकार वालों जानकारी दी गई कि गंभीर हवा प्रदूषण कारण दिल्ली के सारे स्कूलों में 9 तो 18 नवंबर तक सर्द रुत दी छुट्टियां रहनगियां। दस दिए कि दिल्ली में हवा गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है तो शहर के उपर धुंध छाई हुई है। हालांकि सर्दी दी छुट्टियां हर साल 25 दिसंबर तो बाद आउंदियां ने, पर इस बार प्रदूषण के पद्धर नूं वेखदे हुए सरकार ने पहला ही इसका ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के सिख्या विभाग ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी किया है। भारतीय पुलाड खोज संस्था इसरो के पहले सूरजी मिशन आदित्य एलवन नूं सूरजी लैपटॉप की पहली एक्सरे झलक विखाई दी है। पुलाड एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि 29 अक्तूबर तो अपने पहले निरीक्षण समय दौरान आदित्य एलवन ने पुलाड गड्डी विच लगे हाई एनर्जी एलवन आर्बिटिंग एक्सरे स्पैक्ट्रोमीटर राही सूरजी लैपटॉप रिकॉर्ड किया है। सूरजी लैपटॉप सूरजी वातावरण के अचानक चमकण कारण ने। इसरो के एक विज्ञानी ने कहा है कि सूरजी लैपटॉप की पहली उच्च ऊर्जा रिकॉर्ड करना इस गल का संकेत है कि मिशन हुण तक उम्मीद मुताबिक चंगा प्रदर्शन कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित मरदमशुमारी उत्ते सदन में चर्चा दौरान आबादी कंट्रोल नूं लैके अजिहा कुछ कहा कि सदन में मौजूद मर्द ते महिला विधायकों भी शर्म महसूस हुई। लोग नीतीश कुमार के इस बयान नूं बेहद अश्लील दस रहे हैं। दरअसल जाति आधारित मरदमशुमारी नूं लैके विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट उत्ते चर्चा हो रही थी। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि किवें औरतों की सिख्या आबादी कंट्रोल में योगदान पाती है। इस मौके ही उन्होंने विवादित बयान दिता। उधर महिला भाजपा MLC निवेदिता सिंह ने रोंदते हुए नीतीश कुमार के भाषण उत्ते इतराज प्रगटाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नूं इस तरह नाल सदन में नहीं बोलना चाहिए सी। मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रतिक्रिया आने उत्ते डिप्टी CM तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बचाव में नेतरे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सैक्स एजुकेशन की गल कर रहे सन। हालांकि सदन में दिए गए बयान कारण खड़े हुए विवाद तो बाद नीतीश कुमार ने माफ़ी मंग ली। उन्होंने कहा कि वह तो बस औरतों की सिख्या की गल कर रहे थे, उन्होंने कोई गल गलत सी तो माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने बयान उत्ते शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपना बयान वापस लेने की भी गल कही है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दी महिला मोर्चा की प्रधान जयेंद्र कौर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वालों औरतों विरुद्ध की गई भद्दी टिप्पणी लई उन्हां दी तिखी आलोचना की है। पंजाब महिला मोर्चा प्रधान ने पटियाला जिला महिला मोर्चा की टीम नाल नीतीश कुमार खिलाफ पटियाला के शेरांवाला गेट से रोस प्रदर्शन किया। धरने वाली थां उत्ते पत्रकारों नूं संबोधन करदिआं जयेंद्र कौर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वालों बीते दिन बिहार विधानसभा में की गई घटिया अपमानजनक टिप्पणी की वह सख्त शब्दों में निखेधी करते हैं। उन्हें अगे कहा कि उन्होंने द्वारा दिता गया बयान न सिर्फ औरतों लिए घिनौना अपमानजनक है, उसकी लिंगवादी मानसिकता भी दर्शाता है। नीतीश कुमार के तुरंत अस्तीफे की मांग करदिआं जयेंद्र कौर ने कहा कि उन्होंने लगता है कि अजिहा कुकर्मी व्यक्ति किसी राज नूं चलाउण विच पूरी तरह अयोग है तो उसनूं बिहार के मुख्यमंत्री वजों तुरंत अस्तीफा देना चाहिए। जयेंद्र कौर के नाल जिला महिला मोर्चा की समूह टीम और साबका कौंसलर मौजूद सन। यह प्रोटेस्ट जी नीतीश कुमार जी के खिलाफ किया जा रहा है।
जो सीएम बिहार ने, उन्होंने विधानसभा उठ के औरतों बारे इन्नी गंदी गल की है कि असी इस वास्ते अज रोस मार्च कढ़िया हैगा और साड़ी सारी भैणा की डिमांड हैगी है कि वह इस्तीफा देन। ये तो कहने वाली गल्लां ने, चाहे पंजाबी च बोलन, हिंदी च बोलन, मद्रासी च बोलन, जिस विच बोलन, ए कोई कहने वाली गल हुंदी है? ए तां बिल्कुल इह जे शब्द जो उन्होंने कहे ने सारिआं ने देखण च आए ने, और इही जी गल तुसीं कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी भैन नहीं है, बेटी नहीं है, मां नहीं है, और तुसीं इस तरह की गल कर रहे हो? गल करांगे और कहांगे इन्हां ते FIR होनी चाहिए। मानसा अनाज मंडी विच कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक वालों दौरा किया गया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हुण तक उन्होंने वालों पंजाब के तकरीबन सारे ही जिले दी मंडियां का दौरा किया गया है, तो अज 23वें जिले मानसा की मंडी का दौरा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सीजन के दौरान 8 लाख के करीब किसान अपनी फसल को मंडियों में लेके आए हैं, तो इसलिए 1854 खरीद केंद्र पंजाब बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वालों हुण तक 21,000 करोड़ रुपए की अदायगी संबंधित किसानों को की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब दी अनाज मंडियों में हुण तक 137 लाख मीट्रिक टन झोने की आमद हुई है, जिस विच वक्ख खरीद एजेंसियों वालों 134 लाख मीट्रिक टन झोने की खरीद की जा चुकी है और लगभग 112 लाख मीट्रिक टन झोने की लिफ्टिंग भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लिफ्टिंग कार्यों में तेजी लियांदी जाएगी। उन्होंने भी कहा कि किसानों वालों खून पसीना करके पैदा की गई फसल को सरकार वालों खरीदा जा रहा है, तो अनाज मंडियों में पुख्ता प्रबंध होने कारण किसी भी किसान अपनी फसल बेचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। बिल्कुल, आज मैं मानसा मंडी च आया और मेरे नाल इतों के ADC साहब और साढ़े DFSC, साढ़े चेयरमैन, साढ़े सारे आम आदमी पार्टी के आगू साथी मेरे नाल ने। सो पंजाब के अंदर दोवें सीजन बड़े महत्वपूर्ण होंगे आ, झोने और कणक का। सो इन सीजनज़ को लैके बहुत वड्डी एक एक्सरसाइज पंजाब होंगी है, क्योंकि पंजाब की इकोनमी के अंदर इन दोवां सीजनों का बहुत वड्डा रोल है। सो मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में जिहड़े प्रबंध किए हैं मंडियां नूं लैके, प्रोक्योरमेंट नूं लैके, उहदा जायजा लैण दे लई अज मैं पंजाब दे लास्ट जिले च पहुंचे हैं। मैं समुचे पंजाब नूं मतलब विजिट की है। सो अज मेरा 23वां जिला पंजाब का मानसा, इस तो पहले मैं श्री मुक्तसर साहब और बठिंडे च होकर आया। सो पंजाब के अंदर इन दिनों के दौरान 8 लाख तो उपर किसानों ने मंडी जाना होंदा अपनी फसल को लैके। सो उहदे लई असी 1854 जिहड़े खरीद केंद्र आ मंडियां वो पंजाब च बनाईआं ने, जिहड़ियां एक्टिव ने, और लगातार जिहड़ा पैड़ी का सीजन है वो पीक तो बाद अपने दूजे पड़ा च जा रहा है। सो हुण तक पंजाब दीआं मंडियां च मैं जिथे भी गया, मैं दस्सिया भी 23वां जिला मेरा, मैं जिथे भी गया मैं थले जा के किसानों नूं मिलदा, मजदूरों नूं मिलदा। सो कित एक पास्यों भी कोई रिजेंटमेंट किसान की देखने च नहीं मिली, भी कोई ये गल कहे कि मैं 10 दिन तो बैठा मेरी पेमेंट नहीं पै रही। बहुत ही समूथली सीजन चल रहा, 24-24 घंटिया के पेमेंट उन्होंने खाते से पाई जा रही है, अनाज टाइम से चक्या जा रहा। सो हुण तक पंजाब की मंडिया 137 लाख मीट्रिक टन जिहड़ा वो झोना पहुँचा। सो 134 लाख मीट्रिक टन असी खरीद चुके हैं पंजाब की मंडिया चो। सो वो बनती जी पेमेंट है 21,000 करोड़ रुपये के उपर जी उन्होंने खात्या रिलीज़ की जा चुकी है। सो लगातार ये सीजन अपनी चरम सीमा वाले पासे जा रहा है। अज हुई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और होर अहुदेदारां दी चोण लई जनरल इजलास में श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने जित दर्ज की है। उन्होंने विरोधी धिर के उम्मीदवार बाबा बलबीर सिंह कुनस न 76 वोटों के फर्क न हराया। हरजिंदर सिंह धामी के हक में 118 वोटा पईआं, दूजे पासे विरोधी धिर के उम्मीदवार संत बलबीर सिंह कुनस न महज 17 वोटा पईआं। दस दिए कि एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी 3वीं बार श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान वजों अहुदा संभालणगे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों श्रोमणी कमेटी के प्रधान के अहुदे लई एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी नूं पार्टी का उम्मीदवार ऐलाना गया सी, जबकि श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के प्रधान सुखदेव सिंह ढींसा ते बीबी जगीर कौर ने विरोधी धिरां वालों प्रधान के उम्मीदवार लई
संत बलवीर सिंह कुनस्ताना मिलाना से। रजिंदर सिंह मेहता श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्र बने ने। इस दे नाल ही हरभजन सिंह मसाणा सीनियर मीत प्रधान ते गुरबख्श सिंह खालसा जूनियर मीत प्रधान चुने गए ने। दस दिए कि 11 मैंबरी अंतरिम कमेटी भी इस इजलास में प्रवानगी दी गई। धन्यवाद आ धन धन गुरु रामदास पातशाह जी का, धन्यवाद आ धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, और उन्हों का श्रोमणी अकाली दल के समुचे सीनियर आगू से श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल और समुचा हाउस श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिन्होंने मेरे ते भरोसा प्रगट किया। मैं जतन भी करूंगा कि इन्हों का भरोसा जोड़ा आ इस भरोसे के उत्ते पूरा भी उतरा, क्योंकि जोड़ा आता समा आ समा जोड़े चुनौतियां भी बहुत आ चुनौतियां, इस करके कि आता समा बड़ा जोड़ा वो इलैक्शन आ जानियाँ। तो अज मैं देखदा चाहे केंद्र की सरकार आ चाहे पंजाब की सरकार आ जिहड़ा वोटां दा हुण बनाउण दा प्रोसैस शुरू किया गया सी, इस प्रोसैस दे विच सरकारी दखलअंदाजी वड्डे पद्धर ते हो रही है। एक सब तो वड्डा जिहड़ा मुद्दा अज साडे कोल आ उह आ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मोहरे एक वड्डी जिहड़ी गल आ उह आ बंदी सिंघां दी रिहाई। असी सिर तोड़ जतन भी किए सी, फिर साढ़े तो कुछ उंगलों भी उठिया, पहला भी असी कट्ठे होए, पर मैं स्पष्ट करदा अज हाउस भी किया कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां दी रिहाई लई उन्हां दीआं सजावां कटाउण लई वचनबद्ध आ, और वह वचनबद्धता अज भी दोहराई आ। अज मैं सब तो पहला सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का धन धन सतगुरु रामदास पातशाह का दिल दियां गहराइयां तों कोट आंढ कोट धन्नवाद करदा, और समुचे जनरल हाउस का, और उस तो अलावा श्रोमणी अकाली दल की समुची हाई कमांड लीडरशिप, और विशेष तौर पर सरदार सुखबीर जी बादल साहब जिन्होंने अपने प्यार प्रगट करके दास नूं इह सेवा का मौका दिता। पहला मैं इस प्लेटफॉर्म में बतौर सीनियर मीत प्रधान सेवा की है, हूँ जन सकत्र की जिम्मेवारी दी है, और मैं आस करदा कि जिस प्यार जिस आस भरोसे मेरे नूं इह सेवा का मौका दिता, इस तरह उन्होंने असीसा और समुचे जनरल हाउस का जो सहयोग है मैंबर साहबान का सिख संगत का प्यार मैनू वध तो वध पंथ की चढ़ जगह इस प्लेटफॉर्म तो पंथ की सेवा करने का मौका बख्शती रहेगी। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। धन धन साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज का शुकराना अदा करदा कि संगत ने सारे जनरल हाउस ने एक बार फिर बहुत बड़ा भरोसा जोड़ा वो श्रोमणी अकाली दल के उपर जताया, और मैनू खुशी है कि साढ़े सत्कारयोग सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब पिछली बारी जड़े हैं 104 वोटां लैके प्रधान चुने गए, और ऐतकी मैं हाउस का धन्यवाद करदा कि 118 वोटां लैके जिहड़ा वो चुने गए है, और दूजे पासे बाबा बलबीर सिंह जी कुट साहब उन्होंने सिर्फ 17 वोटां पई। सो 101 वोटां की जित जी है ये बहुत वड्डी जित, और मैं सारे हाउस का धन्यवाद करदा और सारी संगत का भी धन्यवाद करदा, और ये मैं महसूस करदा कि हाउस ने श्रोमणी अकाली दल के श्रोमणी अकाली दल के जोड़े एच पी सी के प्रधान ने सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब के, और पार्टी के साडे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब की लीडरशिप के भरोसा जोड़ा प्रकट किया। इस करके जोड़े अहदेदार साहबान बने हैं वो भी साढ़े सारे अनपोस्ट बने हैं, और जोड़े एग्जैक्टिव के मैंबर बने हैं वो भी अनपोस्ट बन गए हैं, इस करके बड़ी शांतमई तरीके दे नाल सारी डेमोक्रेटिक तरीके दे नाल चोण हुई है। आयुर्वेद फॉर वन हैल्थ की ग्लोबल मुहिम की सफलता लिए पंचकूला हरियाणा में 10 नवंबर 2023 में 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा।
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने 10 अक्तूबर 2023 नूं दिल्ली तो इस ग्लोबल मुहिम का आगाज़ किया। हर साल धनवंतरी जयंती के दिन आयुष मंत्रालय द्वारा विश्व आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाता है। आयुर्वेद फॉर वन हैल्थ के जनतक संदेश के नाल यह मुहिम ना सिर्फ भारत में सगों पूरी दुनिया में एक महीने तक सफलतापूर्वक चलाई गई है। चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में केंद्रीय आयुष राज मंत्री डॉक्टर महेंद्रा मुंजपारा ने पत्रकारों नाल गलबात की। इस मौके आयुर्वेद दिवस और आयुर्वेद दिवस की तैयारियां आयुष मंत्रालय दी पिछले 9 साल दी प्राप्तियों बारे लोगों को दसिया। अभी हम दो दिन के लिए कल और परसों पंचकुला में आयुर्वेद डे धनवंतरी दिन पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और लोगों का विश्वास पहले से आयुष पे था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद उसने आयुष का इतना तवज्जो दिया कि पहले आयुष एक हेल्थ का छोटा सा एक विभाग रहा करता था, लेकिन अब मोदी जी ने एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बना दिया है। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर के स्वरूप में हमारे साथ सर्वानंद सोनोवाल जी है, हमारे सचिव राजेश कोटेचा जी और मैं MOS के स्वरूप हूँ। और आयुर्वेदा जो हमारे ऋषि मुनियों ने खुद ने ये रिसर्च करके काफ़ी प्रयास करके ये संशोधन किया हुआ भगवान का दिया हुआ एक ताकतवर एक हमारी चिकित्सा है। तो आयुर्वेद से लोगों का हेल्थ और वेलनेस दोनों बढ़े, साथ में साथ ही काफ़ी क्यूरेटिव भी रोल रहे। और ये आयुर्वेदिक डे का जो थीम है वो एक तो पब्लिक हेल्थ के लिए है, दूसरा छात्रों को कैसे आयुर्वेदिक के साथ से जोड़ा जाए क्योंकि वो छात्रा लोग हैं वही बाद में बड़े होते हैं, और तीसरा किसान लोग क्योंकि अभी लोगों को आयुर्वेद के प्रति लोगों की जागृति बहुत बढ़ी है, तो उसकी जड़ी बूटियों की जो डिमांड सप्लाई गैप है वो कम करने के लिए हमें किसानों की भी ज़रूरत पड़ी। तो ये तीनों का साथ मिला के और काफ़ी दूसरे जो हमारे प्रोग्राम है वो सब हम एक्टिविटी है आयुर्वेद डे पे करने जा रहे हैं पंचकुला में। और वो दिन आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी सब दो दिन हमारे वहाँ आओ और हमारे आयुर्वेद में क्या क्या लेटेस्ट जो रिसर्च है हमारा पब्लिकेशन है और कहाँ कहाँ दूसरे हमारे इंडिकेशन सब नए स्रोत बने वो सब देखने के लिए आप भी पधारो, ऐसी में सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। अमृतसर में CIA स्टाफ विखे तैनात इंस्पैक्टर प्रभदीप सिंह उत्ते गोलियां चला के जानलेवा हमला किए जाने की खबर सामने आई है। जानकारी मुताबिक वह अपने गनमैन के नाल सैर कर रहे सन जिस वेले उन्हां उत्ते हमला होया। बुलेट प्रूफ जैकेट पाए होने कारण उनका बचाव हो गया जदों कि मोटरसाइकिल सवार हमलावर गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। इस मामले उत्ते DCP प्रभजोत सिंह विरक ने दसा कि पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। मॉर्निंग 6 बजे के करीब कि इंस्पैक्टर साहब है CIA इंचार्ज जो जीरा लगे ने प्रभजीत सिंह ये सैर कर जा रहे थे अपने गनमैन के नाते उन्होंने कोई फायरिंग इंसीडेंट्स होया जिसन असी वेरीफाई करते हैं जी है FIR नंबर 316 अंदर 307 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर ली हैगी और इनवैसटीगेशन कर ली। इनिशियली कुछ सू CCTV फुटेज होर भी मिल गई वेरीफिकेशन कर रही हैं सारिया चीज़ों असी लैके तो ज़्यादा डिटेल जी है इन्वेस्टिगेशन सेंसिटिव हैगी है थोड़ी इस करके जी है ज़्यादा डिटेल्स जीडिया है वो इन डेप्थ जाके जगह वेरीफाई करने वाली। हाँ जी उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पाई थी जी। पंजाब भर में PRTC पनबस के कच्चे मुलाजम भलके हड़ताल से जा रहे हैं जिस के मुसाफरों आने जाने डाढ़िया दिक्कतों का सामना करना पै सकता है। कच्चे मुलाजम कंट्रैक्ट यूनियन ने इसका ऐलान किया, सैलरी में वाधे समेत कई अहम मंगों को लेकर उन्हें हड़ताल करने का ऐलान किया। बुढ़लाडा नेड़ले पिंड बछवाणा में अज दुपहरे परचून की दुकान और सैलून में अचानक अग लग गई जिस नाल दोवें दुकानों में पिया सारा समान सड़ के सुभा हो गया और तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान होया। हालांकि अग लगन के कारणों का पता नहीं लग सकिया। उधर पीड़ित दुकानदार मखण दास ने हुए नुकसान लिए सरकार तो मुआवजे की मांग की है। मौके पर मौजूद लोगों ने दसा कि उन्होंने अचानक बंद दुकानों के अंदरों धुआं निकलने का पता लग्या जिस तों बाद दुकान के मालक नूं बुलाया गया तो पिंड वासियों के सहयोग नाल अग उत्ते काबू पाया गया। उन्हें कहा कि जदों तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची उदों तक सारा समान सड़ के सुभा हो चुका है। इसका कोई पता नहीं लगे हजे भी की कारण है, मतलब ये दुकान हजे बंद पई है जी। कोई पता नहीं लगे? नहीं कोई पता नहीं हजे भी किवें लगी है।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ? ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ। ਇਹ ਖੇਤ ਜਿਰੀ ਵੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਖੇਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਅੱਗ ਸੱਟਰ ਸੁੱਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਬਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਹੈਗੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 10-12 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦਾ 40ਵਾਂ ਮੈਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟੌਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ 339 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 340 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ 86 ਗੇਂਦਾਂ ਉੱਤੇ 108 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲੇਟਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।